नमस्कार, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चॉकलेट के बिस्किट बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और एकदम हेल्दी भी हैं। इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसको हमने एकदम ही सिंपल तरीके से गेहूं के आटे से तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बटर के अंदर शक्कर पाउडर डाल लेंगे। शक्कर पाउडर डालने के बाद हम इसको विस्क की सहायता से एकदम क्रीम के जैसा बना लेंगे। इसको हम लगातार फेटेंगे जिससे कि यह एकदम क्रीम के जैसा हो जाएगा। बटर और शक्कर को हमने लगभग 3 मिनट तक फेट लिया है, ये एकदम क्रीम के जैसा हो गया है। अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। अब हम आटे को एक छलनी की सहायता से छानकर इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो आटे को पहले भी छान कर रख सकते हैं, मैं इसको सीधा ही छान कर डाल रही हूँ। आटा हमने छान लिया है। अब हम इसके अंदर डालकर कोको पाउडर को भी छान लेंगे और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी हम इसी के अंदर डाल लेंगे। सभी सामग्री इसके अंदर डालने के बाद हम इसको स्पेचुला से एक बार ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। पूरा मिश्रण हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर दूध डालकर इसका डो लगाएंगे और इसको हम हाथ से ही तैयार करेंगे। हाथ से ये ज्यादा अच्छे से बन जाता है। मिश्रण हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर रहे हैं। मिश्रण के अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे ताकि हमारा डो पतला ना हो। इसके लिए हमें एकदम सख्त डो चाहिए जिससे हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए, डो को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं। डो लगाने के बाद ये देखिए हमारा थोड़ा सा दूध बचा है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। बिस्किट के डो को हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, फिर हम इससे बिस्किट बनाएंगे। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम डो को थोड़ा सा चकले पे रखकर मसल लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे मसल कर और इसको हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बेलन को हम एकदम हल्के हाथ से बेल लेंगे। डो को हम ऐसे ही हल्के हाथ से बेलते हुए इसको हम एक बड़े आकार में बेल लेंगे। बेलते टाइम डो अगर ऐसे फटता है तो कोई बात नहीं है, इससे हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप इसको हाथ की सहायता से एक सार करते हुए एक बड़े आकार में बेल लें। ये देखिए, डो को हमने बेल लिया है। अब हम इसके बिस्किट कट कर लेते हैं। मैं इसके बिस्किट आर्ट शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा भी आकार इसको दे सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। बिस्किट काटते टाइम एक बात ध्यान में रखें कि कटर को हम एक बार सीधा रखेंगे और एक बार हम उल्टा रखेंगे, इससे हमारे ज्यादा बिस्किट निकल आएंगे। अगर आप कटर को ऐसे जोर से दबाते हैं तो साथ में भी आप इस बिस्किट को निकाल सकते हैं। सभी बिस्किट कट करने के बाद अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्किट रखने से पहले हम एक प्लेट में फॉइल पेपर लगा लेंगे और उसके ऊपर हम घी से थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे। ग्रीसिंग हमने अच्छे से कर ली है। अब हम इसके अंदर बिस्किट रखेंगे। बिस्किट को आप जैसे आपको ठीक लगे उसके अनुसार उठाकर इसके अंदर रख सकते हैं। सभी बिस्किट रखने के बाद इसके बचे हुए मिश्रण के भी हम ऐसे ही लोई बनाकर उसको बेलकर इसके बिस्किट कट कर लेंगे। बिस्किट को सेकने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ब्रश की सहायता से दूध लगा लेंगे। सभी बिस्किटों पर दूध लगाने के बाद अब हम इनके ऊपर ऐसे हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा चोकोमेट डालेंगे।
अगर आपको इसके ऊपर चोकोमेट नहीं लगाना है तो ये बिना चोकोमेट के भी बिस्किट बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इनको बिना चोकोमेट के भी बना सकते हैं। सभी बिस्किटों पर चोकोमेट लगाने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये पूरे इसके अंदर चले जाएं। बिस्किट सिकने के लिए तैयार हैं, तो अब हम इनको सेक लेते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख लिया है और उसके अंदर हमने नमक डाल लिया है। ये नमक हमने पहले भी कई बार यूज किया है बिस्किट बेक करने के लिए और केक बेक करने के लिए, तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसके अंदर प्लेट रख रहे हैं। प्लेट के नीचे हमने कोई भी स्टैंड नहीं लगाया है क्योंकि हमारी प्लेट नमक से बहुत ऊपर है, इसलिए हमने इसमें स्टैंड नहीं लगाया। अब हम इनको कम से कम 20 से 25 मिनट तक बेक होने देंगे। लगभग 25 मिनट के बाद हम इसको हटा रहे हैं। ये देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे से बेक हुए हैं। बिस्किट को मैं नीचे से भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितने अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे। बिस्किट को आप ठंडे होने के बाद खाइए, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। बिस्किट की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिस्किट आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।